ईडी ने उठाया केजरीवाल पर अगला कदम। कब कब सक्रिय होती है ईडी? ईडी के पास अधिकार, कभी भी कर सकती है गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट से क्यों पड़ी थी ईडी को फटकार? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टेन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और विधानसभा चुनाव से पहले सबसे ज्यादा मुश्किल अगर बढ़ी है तो वो है आम आदमी पार्टी की, और लगातार ईडी समन के ऊपर समन भेज रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर। अभी हाल ही में ईडी ने एक समन भेजा था केजरीवाल को, और जिस पर कहा गया कि केजरीवाल आकर ईडी के दफ्तर में बातचीत करें वरना वो भी शराब घोटाले पर लिप्त माने जाएंगे और उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसे तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं, और तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद है ऋतिक। उनसे जानने का प्रयास करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर ईडी किस तरह से कार्य करती है, ईडी किस मौके पर आकर समन भेजती है और ईडी क्या प्रकार से कार्रवाई करती है। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए ऋतिक आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मेरा सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता भी फंसे हुए, ईडी उन पर जो है समन जारी कर रही है, कुछ नेताओं के घर पर छापेमारी मार रही है, तो आखिरकार छापेमारी मारने का क्या प्रावधान रहता है? ईडी किस प्रकार से छापेमारी मारना शुरू करती है? ईडी का क्या काम है, क्या शक्तियां हैं, कैसे वो करती है, हम पूरी जानकारी यहां पर आपको डिटेल से देंगे। पूरा डिटेल हमने यहां पर सामने लेकर आपके आए हैं, अपने दर्शकों को भी बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईडी अगर यहां पर दूसरा समन अरविंद केजरीवाल को भेजती है, तब भी अगर अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचते तो ईडी का ये शक्ति उसके पास कि वो गिरफ्तार कर सकती है? क्यों? क्योंकि ईडी का समन भेजना मतलब है कि ईडी के पास कुछ तो सबूत मिले हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बताएंगे क्या होगा ईडी का अगला कदम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लेकर। ईडी के समन पर सीएम केजरीवाल के कड़े जवाब के बाद अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि ईडी का अगला कदम क्या होगा। ईडी का दूसरा समन जारी करने की बात सामने भी आ रही है, लेकिन इसी के साथ गिरफ्तारी की चर्चा भी चल रही है। कहा जा रहा है कि सीएम अगर ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं, अगर केजरीवाल पेश नहीं होते हैं, तो ईडी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। समन पर ना पहुंचने पर ईडी का क्या यहां पर जो है रवैया रहेगा, इसका उत्तर यही है कि ईडी किसी भी ताकत के तहत, किसी भी उम्मीद के तहत यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है, और गिरफ्तारी के बाद जो है उनसे सवाल पूछ सकती है, ये पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, क्या है ईडी, कैसे काम करती है? देखो, ईडी एक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का प्रवर्तन निदेशालय है। यह वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक सरकारी एजेंसी है, जिसे खास तौर पर वित्तीय गबन या धोखाधड़ी की जांच करने वाली एक केंद्रीय एजेंसी के तौर पर माना जाता है और जाना भी जाता है। यही जांच इस निदेशालय का प्रमुख कार्य भी है। आज़ादी के बाद साल 1947 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी कि विदेशी मुद्रा नियमन कानून बनाया गया था, जिस पर वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का कंट्रोल था। साल 1956 में परिवर्तन इकाई बनी, इसी में इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट बना। साल 1957 में इसका नाम बदलकर डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट या एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टोरेट रखा गया, जो ईडी कहलाने लगा। साल 1960 में ईडी को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया, तब से उसी पर ये काम कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला आता है, पैसों से जुड़ा हुआ जो मामला आता है, उस पर प्रवर्तन निदेशालय जो है काम करता है। हालांकि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है, लेकिन इसको स्वतंत्र एजेंसी माना जाता है। तीसरा सवाल यहां पर ये उठता है कि कब सक्रिय होती ईडी, यानी कब ईडी काम करती है। ईडी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा के तहत कार्रवाई करती है। इसके साथ ही आपराधिक श्रेणी वाले फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले भी देख सकती है। ईडी खास तौर पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई करती है। साल 2018 जब सरकार ने देखा कि आर्थिक अपराधी काफी संख्या में देश से बाहर भाग रहे हैं, तो यहां पर फ्यूजिटिव ऑपरेटर एक्ट लाया गया, इसे भी ईडी के तहत रखा गया। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, इसको अगर हम लोग देखें तो फेमा धन शोधन निवारण अधिनियम 1999 के नाम पर भी जाना जाता है, इस पर जो है काम करना शुरू किया। तो आप समझ सकते हैं कि ईडी कैसे सक्रिय होती है और किस तरीके से जो है तमाम लोगों पर कार्रवाई कर सकती है, सीएम से लेकर पीएम तक किसी से भी पूछताछ यहाँ पर की जा सकती है, ये ऐसा मानना है। हेमंत सोरेन को भी जो है 5 बार ईडी ने यहाँ पर नोटिस भेजा था, और सुप्रीम कोर्ट ईडी पर कब फटकार लगा जा सकता है इस पर हम थोड़ा चर्चा कर देते हैं। इस पर एक जो है साफ तौर पर आपने देखा था कि जब
ईडी सबूत पेश नहीं करती है या ईडी जो है यहाँ पर साफ तौर पर गिरफ्तारी करने के बाद उसके पास पुख्ता सबूत नहीं होते हैं, तब जो है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कार्रवाई कर सकता है अगर कोई याचिका दायर यहाँ पर करता है। यहाँ पर अगर देखें तो ईडी के अधिकार जरूर बढ़े लेकिन असीमित नहीं, उसकी भी अपनी एक सीमा है। बीते अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में एक केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई थी। जस्टिस एएस बोपन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने अपने एक अहम फैसले में यह टिप्पणी में कहा था कि ईडी यह उम्मीद नहीं पाल सकती कि जिस आरोपी का समन जारी किया गया है वह अपने गुनाह को कबूल कर ले। ईडी नहीं उम्मीद लगा सकती है कि पूछताछ के दौरान आरोपी अपना बयान उसके सामने दर्ज करा दे। अगर समन के बावजूद कोई आरोपी सहयोग नहीं कर रहा है तो आरोपी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा था कि अगर आरोपी ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है तो वह अपने आप में पर्याप्त नहीं है कि उसे धारा 19 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाए। पीएमएलए की धारा 19 में प्रावधान है कि अधिकारी को यह विश्वास होना चाहिए कि आरोपी अपराध में संलिप्त है। मौजूदा मामले में ईडी ने कहा कि आरोपी ने इस मामले में जो जवाब दिया वह स्पष्ट नहीं था। ये आपको एक उदाहरण दिया और एक उदाहरण यहाँ पर मनीष सिसोदिया को लेकर देंगे। जब पहली जो है याचिका पर सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट और संजीव खन्ना और यहाँ पर जो उनकी पीठ बैठी थी उनका यही कहना था कि ईडी आपके पास गवाह तो है लेकिन सबूत क्या है इस पर आप चर्चा कीजिए, तब फटकार लगी थी। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि ईडी को दबाया नहीं जा सकता है, ईडी पर सवाल नहीं किए जा सकते, लेकिन जो सवाल अभी आजकल ईडी पर उठ रहा है कि ये केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है, ये कहीं ना कहीं कहना यहाँ पर गलत हो सकता है। क्योंकि आप ये समझिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया था कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं रोकेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो ईडी सीबीआई को गाइड कर रहे हैं या ईडी सीबीआई का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। यहाँ पर आप महाराष्ट्र जाइए, आप यहाँ पर पश्चिम बंगाल पहुँच जाइए, मध्य प्रदेश, राजस्थान पहुँच जाइए, हर जगह ईडी जो है यहाँ पर काम कर रही है, अपना जो है साफ तौर पर देखा जाए तो 2-2 करोड़ के मामले भी पकड़ रही है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ईडी पर सवाल खड़े कर रही है ये कतई गलत है। मैंने पूरा यहाँ पर आपको विवरण बताया कि कैसे काम करती है, कैसे उस पर जो है डांट फटकार लग सकती है, स्वतंत्रता क्या है, गिरफ्तार करने की शक्तियाँ क्या हैं। जी वाकई में देखिए हमारे सहयोगी ऋतिक ने तमाम मुद्दों पर जानकारी दी। पहला ये कि ईडी किस तरह से काम करती है, दूसरा ये कि ईडी किसके अंडर में काम करती है, और तीसरा इस बात का जवाब दिया कि ईडी को भी फटकार लग सकती है। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी जरूर है लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर हस्तक्षेप कर सकती है अगर ईडी कुछ गलत काम करती है तो। और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि अभी हाल ही में एक ईडी अफसर भी गिरफ्तार हुआ है जयपुर में, जिस पर यह आरोप लग रहा था कि उसने गलत तरीके से पैसे खाने की कोशिश की है, रिश्वत लेने की कोशिश की है। तो दर्शकों आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि ईडी सीबीआई जो काम करती है वो किसी के दबाव में करती है, एक स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन जब ईडी खुद आक्रामक रूप ले ले या ईडी गलत तरीके से काम करने लगे तो उस पर भी फटकार लगती है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है। और अगर ईडी के अफसर गद्दारी वाले काम करते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो उन पर भी फटकार लगती है और उनको गिरफ्तार भी किया जाता है। जिस तरीके से लगातार विपक्षी पार्टी के नेता ये बोलते हैं कि ईडी सीबीआई जी एक बात और करना चाहूंगा, राष्ट्रपति संवैधानिक पद पर बैठी हैं, चुनाव आयोग संवैधानिक पद पर है, इनका एक गरिमा है, संविधान के अंतर्गत इनका जो है वहां पर लिखा गया है जो है ब्यौरा है। लेकिन अगर ईडी की हम बात करें तो ईडी का कोई संवैधानिक पद नहीं है, ईडी स्वतंत्र एजेंसी है लेकिन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, तभी ईडी पर सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति पर सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं, आप चुनाव आयोग पर सवाल खड़े नहीं कर सकते, कई बार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी बचाव के लिए ईडी पर उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रही है, ये कतई गलत है। जी वाकई में देखिए ऋतिक जी ने जिस प्रकार से बताया कि जिस प्रकार से वो ईडी पर सवाल खड़े कर रही है वो गलत है, और कई बार चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, ईवीएम मशीन को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, और विपक्ष ये तब करता है जब चुनाव आने वाले होते हैं। और ऐसे में कहा जाता है कि विपक्ष जब चुनाव से डरता है तो ऐसे ईवीएम जैसे मुद्दों को उठाता है और उसको एक एजेंडे के रूप में प्रयोग करता है कि इस वजह से हम हारे वरना हम एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा चुनाव का विगुल फूंक दिया गया है और पहला चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, लगातार अपने प्रयासों से आगे बढ़ रही है और कांग्रेस पार्टी किसी से पीछे नहीं और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की वो तमाम रणनीतियां बना रही। अब दर्शकों देखना ही होगा कि जिस प्रकार से चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो आखिरकार मध्य प्रदेश का जो पहला चुनाव है उस पर अपनी सहमति जताते हुए चुनाव कौन लड़ता है और कौन सा नेता सीट पर बैठ पाता है और वहां की सत्ता का राजा बन पाता है। इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।